यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज बता दूं आपको 13वां दिन है। थोड़ी देर पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया, उनके बेहद करीबी की तरफ से कहा गया कि नाटो की अनुपस्थिति में यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। अब इस बयान का सीधा मतलब क्या होता है? ये कि ज़ेलेंस्की संदेश दे रहे हैं कि वो नाटो में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें एक सुरक्षा की गारंटी चाहिए कि रूस भविष्य में उन पर दोबारा हमला नहीं करेगा। वैसे दोनों देशों के बीच जंग रोकने को लेकर 3 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अब तक दोनों देश किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं हैं, यानी जंग अभी चल रही है। 300 घंटे हो चुके हैं और इन 300 घंटों ने यूक्रेन की तस्वीर को पूरी तरीके से 360 डिग्री बदलकर पलट कर रख दिया है। पूरा देश इस वक्त खंडहर में तब्दील हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए वहां की स्थिति। यूक्रेन अभी कुछ दिन पहले रोशनी से जगमगाता था, वही यूक्रेन अब युद्ध के 300 घंटे बाद खंडहर में तब्दील हो रहा है। यूक्रेन की जिन इमारतों और शहरों को देखकर लोग खुश होते थे, आज उसी यूक्रेन की तस्वीरें जंग के 300 घंटे बाद लोगों को रुला रही है। जिस यूक्रेन को 12 दिन पहले तक युद्ध का सिर्फ एहसास भर था, आज वही यूक्रेन 300 घंटे बाद जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। रूस के हमलों को झेल रहा है। देश को बनाने में भले ही कई दशक लगे हो, लेकिन सिर्फ 300 घंटे काफी है उसके बर्बाद होने में। मौजूदा यूक्रेन को देखकर लगता है और यकीन हो जाता है कि दशकों तक कतरा कतरा जोड़े गए देश को बर्बाद करना कितना आसान है। हफ्ते भर पहले केव के टीवी टावर के पास हमला हुआ, 5 लोगों की जान इस अटैक में गई। हमले के दिन टीवी टावर जल रहा था, लेकिन वो गिरा नहीं, बच गया। लेकिन उसके आसपास जो तबाही हुई थी, उसके निशान आज भी यहाँ पर मौजूद है। जब भी कोई एक देश दूसरे देश के खिलाफ सैनिक कार्यवाही करता है तो उसके महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाता है। राजधानी कीव के पास का ये वो फेमस टीवी टावर है। टीवी टावर के ठीक पास में जब शेलिंग हुई थी, बमबारी हुई थी, तो उसके बाद टीवी टावर का भी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था और साथ ही आसपास की इमारतों को भी तबाही हुई थी, वहां पर भी नुकसान हुआ था। और अब भी उसके निशान यूक्रेन की राजधानी कीव के इस फेमस टीवी टावर पे देखे जा सकते हैं। देखिए कि किस तरीके से यहां पर शेलिंग के निशान, जो अभी भी देखिए आप, मेटल पिघल के गिर गई है। शेलिंग के जो टुकड़े हैं, जो खंभों के टुकड़े हैं, वो इस तरीके से यहाँ पर नजर आते हैं। पूरा कंक्रीट का ये जो बड़ा पोल था, ये इलेक्ट्रिक पोल था, ये इस तबाही के अंदर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। यूक्रेन का हर बड़ा शहर इस वक्त सैकड़ों बार रूसी हमले को झेल चुका है। कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है। मरने वालों में आम नागरिक है, यूक्रेनी सेना के लोग मौजूद है। 4 शहरों में सीज फायर की घोषणा भी की गई है, लेकिन कई जगहों पर हमले जारी है। इन्हीं शहरों में एक शहर है इरपिन। रूसी सेना ने यहां मोर्टार से जबरदस्त हमला किया था। गोलाबारी की वजह से यहां रहने वाले लोग किसी तरह से बच निकलना चाहते थे, लेकिन तभी मोर्टार का गोला वहां आ गिरा। 3 लोगों की जान इस हमले में चली गई। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय जब हमले वाली जगह पर पहुंचे, तो मासूम नागरिकों के छूटे हुए सामान ये बता रहे थे कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा था। यूक्रेन के इरपिन शहर की ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर कुछ ही समय पहले बमबारी हुई। इसी जगह से, इस सेफ कॉरिडोर से जैसे ये लोग निकल रहे हैं, उसी तरीके से लोग यहां से निकल रहे थे और उसी समय में एक रूसी मोर्टार इस इलाके में आके गिरा है। और उसके गिरने के बाद इसी जगह पर धमाके में करीब 4 लोगों की मौत हुई है। और आप देखें किस तरीके से लोग यहां से जैसे ही मौका मिल रहा है निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिकों को इस इलाके से निकाला जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना इरपिन में पहुँच चुकी है और लगातार शेलिंग की आवाज भी आ रही है रह रहकर। अगर यहां तक रूसी सेना पहुंच जाती है तो उसके बाद उसके लिए कीव तक का रास्ता बहुत मुश्किल नहीं होगा। इरपिन शहर रूसी सेना का लगातार निशाना बन रहा है। धमाके की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही है। रूसी सेना शहर में आसानी से घुस ना सके, इसके लिए कीव के रास्ते को जोड़ने वाले इरपिन शहर के पुल को तोड़ दिया गया था। पुल अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन इसकी वजह से आम लोगों को शहर से निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है।
शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। एक शख्स की जान इसी पुल पर गई थी, अब तक उसकी लाश यहीं पड़ी है। कुछ समय के सीज फायर के बीच लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेनी जो सुरक्षा बल हैं, वो भी बच्चों को, बूढ़ों को और लोगों को, खासतौर पर नागरिकों को इस इलाके से निकाल रहे हैं। ये वो क्रूशल ब्रिज है जो इरपिन का ब्रिज है, जो कि इरपिन को और कीव को जोड़ता है, और इस ब्रिज को खुद यूक्रेनी सेना ने इस लड़ाई की शुरुआत के अंदर ढा दिया था, इसे तोड़ दिया था और इसे विस्फोट से उड़ा दिया था, क्योंकि इस विस्फोट के कारण रूसी सेना का रास्ता रोका जा सकता है। पुल पर पहुंचने के बाद किस तरीके से लोगों के लिए नीचे आना मुश्किल होता है, किस तरीके से लोग नदी को पार करके आ रहे हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द यहां से खाली कर दें, जल्द से जल्द वहां से निकल जाएं, और उनसे कहा गया है कि आप नीचे आकर और फिर वहां से क्रॉस करें। इस तरीके से उन्हें लोगों को यहां से निकाला जा रहा है। कई शहर बर्बाद हो चुके हैं, कई शहर खंडहरों में बदल चुके हैं, तो गोलियां लगातार चल रही हैं। दूर से आती हुई ये गोलियों की आवाज बता रही है कि रूसी सेना लगातार इस तरफ बढ़ रही है। युद्ध के मैदान में कई लोग खौफ के मारे घबराकर भाग रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मदद के लिए सड़कों पर डटे हुए भी दिख रहे हैं। कीव के करीब रहने वाली एना अपने साथी के साथ पानी और चाय कॉफी का स्टॉल लगाकर खड़ी है। कहती है कि वक्त युद्ध का है, ऐसे में परेशान लोगों की वो मदद करना चाहती है। शहरों पर लगातार हो रही रूसी बमबारी और शेलिंग के बीच में कई शहरों के बाहर इस तरीके की बसों की कतारें नजर आ रही हैं। इस वक्त हम यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर इरपिन, गोस्तोमल और बोशा के इलाके की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ हैं, जहां पर इस समय ये बसेस लगाई गई हैं। ये बसेस हैं खास तौर पर जिस तरीके से इन तमाम इलाकों के ऊपर रूसी शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, उसके बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ये बसेस लगाई गई हैं। सड़क की तरफ से लोग आते हैं, उन्हें यहाँ पर इस समय यहाँ पर मेडिकल टीम्स भी मौजूद हैं। We decided to give them hot coffee, yeah, coffee, tea, and Red Cross brought some water, so we're just like united. ये तस्वीरें यूक्रेन के सुमी शहर की है। रूसी लड़ाकू जहाजों ने शहर पर पूरी रात बम बरसाए हैं। एक पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया, जबकि कई बम रिहायशी इमारतों पर भी गिरे। बमबारी के बाद इमारतों के मलबे में कई लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी थे। भले ही अमेरिका या नाटो देश यूक्रेन की मदद अपनी सेना भेजकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई कोनों से लोग खुद ही रूस के खिलाफ लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। सैकड़ों लड़ाके यूक्रेन आ चुके हैं, हथियारों से लैस हो चुके हैं। रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का साथ देने ये लड़ाके दूसरे देशों से आए हैं। इन्हें द यूक्रेनियन इंटरनेशनल लीजन का नाम दिया गया है। राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से अपील की थी कि लोग उनकी लड़ाई में साथ देने आए। रूस से युद्ध लड़ते हुए यूक्रेन को 12 दिन बीत चुके हैं, उसके कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। दूसरे देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस जंग का अंजाम क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जंग ने यूक्रेन को कई दशक पीछे धकेल दिया है। ABP News आपको रखे आगे।